मैस्सी मैस्सी मैसी 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 इतने सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं लेकिन फिर भी कान नहीं थकते हैं क्योंकि हमें पता है भाई मैस्सी यही तो करते हैं बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं अर्जेंटीना को इतने साल से कैरी कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी तीन गोल स्कोर कर चुके हैं अपनी हजारवीं अपीयरेंसेज पर भी आकर उन्होंने शानदार गोल स्कोर करके अर्जेंटीना को राउंड ऑफ सिक्सटीन से निकाल कर क्वार्टर फाइनल्स में पहुँचा दिया है लिनल मेस्सी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है कि इसके बाद वाले वर्ल्ड कप में, में लेनल मेस्सी देखने को नहीं मिलेंगे और अर्जेंटीना खेल भी उसी तरीके से रही है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है लेनल मेसी के साथ बट क्या परफेक्शन है अर्जेंटीना के स्कॉड में या नहीं देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो अर्जेंटीना कल जैसा गेम खेली है अगर वो इस तरीके से नैदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो नैदरलैंड उनको पनिश करेगी आखिरी के जो 15-20 मिनट थे ना वो इतने ज्यादा शेकी थे बोथ ऑफेंसिवली भी और डिफेंसिवली भी जहां उनको दो अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिली सबसे पहली बात तो यह भाई लोतोरो मार्टिनेस का लुकाकू के साथ उठना बैठना बंद कराओ भैया वो बंदा बर्बाद हुआ जा रहा है वो उसको वो ओपन चांसेस मिस कर रहा है यार वो ओपन चांसेस खड़े होकर छक्के मार रहा है वो वन वी वन सिचुएशन में कीपर पे सीधी बॉल मार रहा है कल अर्जेंटीना आराम से फोर वन जीतती फोर निल भी जीत सकती थी क्योंकि जो गोल ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया ना वो बहुत ही अनलकी था लेकिन मैच के आखिरी किक पे जो सेव निकाली है भाई एमिलेनो मार्टिनेज ने है सॉफ्ट टू हिम क्योंकि वो गेम अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर इस चीज़ का होता कि पेनल्टीज तक अगर गेम पहुंच गया तो ये फिर किसी का भी गेम हो सकता है लेकिन कल जो परफॉर्मेंस हमें फील्ड पर इंडिविजुअल से देखने को मिली है भाई उसकी बात तो हमें करनी पड़ेगी मैस्सी पे सबसे आखिरी में हूँ क्योंकि सबसे लंबी बात मैस्सी पे ही करनी है सबसे पहला नाम मैं इसमें लेना चाहूँगा भाई लिसानद्रो मार्टिनेस का लिसान्द्रो मार्टिनेस ने उस उस रन पर जो ब्लॉक किया है भाई वो शॉट मैं भाई मैं मैं सम मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना प्राउड हूँ कि ये प्लेयर मेरे क्लब के लिए खेलता है और कितने साल के बाद मुझे एक डिफेंडर की तारीफ करने में अपने क्लब के मज़ा आता है लिसांद्रो मार्टिनेस इज इज़ अ मॉन्स्टर और वो आपको बार बार ये चीज़ फील्ड पे आके प्रूव करता है हाइट में छोटा है बहुत सारे लोगों ने डाउट किया था लेकिन वो जज्बा जो उसके अंदर है ना वो जो डेडिकेशन है सक्सीड करने की और मैच जीतने के बाद की जो सेलिब्रेशन थी वो बता रही थी हाउ पैशनेट ही इज़ टुवर्ड्स हिस कंट्री एंड टुवर्ड्स दिस गेम नंबर्स आपकी स्क्रीन के सामने है लिसद्रो मार्टेनिस के जो तीस चालीस मिनट वो खेला है और आप उसमें देख सकते हो भाई लिसानद्रो मार्टिनस कितना इम्पैक्टफुल था और के अगर मैं बात करूं कल वापस से एनजो फर्नान्डिस की तारीफ थी काफी डिफ्लेक्ट होकर गोल गया that, एंजो जो दूसरा गोल आया ना उस पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी रोद्रिगो दे पॉल की देखो मैं पिछले दो तीन गेम से रोद्रिगो दे पॉल को हमें मतलब बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था स्क्रूटनी दे रहा था लेकिन कल रोड्रिगो दे पॉल के ऑफ़ द बॉल वर्क रेट की जो मैं इतनी तारीफ सुनता था वो मुझे कल देखने को मिला खासकर वो दूसरे गोल पर पहले उसने लेफ़्ट बैक को प्रेस किया फिर उसने सेंटर बैक को प्रेस किया फिर उसने गोलकीपर को प्रेस किया एंड गोलकीपर को फोर्स किया एरर करने के लिए एंड उस पोजीशन पर आपके यूलियन अलवारेज बहुत एक्टिव थे बॉक्स के अंदर एंड ये ना ये स्ट्राइकर इंस्टिंग्ट आपको डेवलप करनी पड़ती हैं और जिस तरह का गेम अलवारीस का रहा है कल वो आसानी से दो दो से ज़्यादा गोल स्कोर कर सकते थे लेकिन जो इंपैक्ट कल अलवारस का था भाई वो आपको दिखा रहा है कि वाई ही डिजर्व टू तो स्टार्ट अहेड ऑफ लोटोरो मार्टनिस और एक बात तो तय तो यार लोटोरो मार्टनिस की परफॉर्मेंसेज और अलवारिस की परफॉर्मेंसेज अगर आप कंपेयर करोगे तो देर इज नो वे लॉटोरो मार्टिनस कैन स्टार्ट इन करेंट रन ऑफ फॉर्म वो वन बी वन चांसेज मिस कर रहा है और सिर्फ वन बी वन नहीं यार उसका होल्ड अप प्ले जो उसकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ था वो भी वो हाईलाइट नहीं कर पा रहा है आई डोंट नो वेदर इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर वो इस वर्ल्ड कप की हाइप को लिव अप कर पाने में असफल रह रहा है जो भी चीज है बट ही इज नॉट अप टू द मार्क बात अगर मैं यहां पे करूं भाई कल अकूनिया की परफॉर्मेंस की पापू गोमेज जब लाइनअप आई थी हम सब ने बोला था यार पापू गोमेज नहीं है डी मारिया नहीं है मतलब पापू गोमेज खेल रहा है डी मारिया नहीं है कैसे कोप अप करेगी क्या मेस्सी वाइड खेलेगा क्या पापू गोमेज ने जो सऊदी अरेबिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी उस तरह की परफॉर्मेंस अगर वो देगा तो क्या एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस निकलेगी वो और क्या अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा पाएगी क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक टीम थी लेकिन अर्जेंटीना ने जो सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस दी है ना उसने ऑस्ट्रेलिया को मौका दे दिया वापस से गेम में आने का बिकॉज आखिरी के बीस मिनट में तीन बड़े चांसेस बनाए ऑस्ट्रेलिया ने जिसपे एक पर आउट ऑफ नो वो गोल स्कोर हो गया लेकिन तीन उन्होंने अच्छी सेव किए ब्लॉक किया बात अगर यहां मैं पापू गोमेज की करूं तो पापू गोमेज के आने से कल एक चीज जो हमें दिखी कि मेस्सी थोड़ा ज़्यादा ड्राइव कर पा रहे थे बॉल लेके थोड़ा ज्यादा वो बॉक्स में एक्टिव थे थोड़ा ज्यादा वो वाइड पुल कर रहे थे डिफेंडर्स को एंड पापू गोमेज क्योंकि मेस्सी की पोजीशन पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो हमें एक्सचेंज दिखा प्लोर प्लेयर हमने स्वैप होते देखे एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर ऑल्सो पहले आप में ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी ट्रबल नहीं किया रोमेरो और ओटामेंडी को बिल्कुल टेस्ट नहीं किया गया और जब पापू गोमेज थक गए तब भाई उन्होंने अकूनिया को लेफ्ट विंग डाल दिया और उन्होंने लिसानद्रो मार्टिनस को अंदर करा दिया देखो फुट अगर मैं ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करूं मुझे अर्जेंटीना की ब्रांड ऑफ फुटबॉल इतनी कुछ खास लगी नहीं लेकिन अच्छी फुटबॉल खेलने का कोई जरूरत भी नहीं है आपको वर्ल्ड कप में अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए आप आसानी से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं अगर आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो क्योंकि ऑन दी अदर हैंड नैदरलैंड भी वही कर रही है एंड यहाँ पर भाई आपके लिनल मेस्सी की कल जो परफॉर्मेंस थी हमें विंटेज मेस्सी देखने को मिला है चाहे आप ड्रिबल्स की बात करें चाहे आप शॉर्ट्स की बात करें चाहे आप पासिंग रेंज की बात करें चाहे आप गेम इन्वॉल्वमेंट की बात करें बात करें और यू नो गेम में आपने कितने कैरीज की हैं उसकी बात करें हर एक ओपिन अगर आप हर एक पर्सपेक्टिव काउंट करेंगे कल के गेम का मेस्सी का गेम भाई टॉप था एंड मेस्सी थाउजेंड अपीयरेंस थी उसमें गोल स्कोर किया है बिकम द सेकेंड हाइस्ट गोल स्कोर इन द अर्जेंटाइन हिस्ट्री इन यू नो जब वर्ल्ड कप की बात आती है नौ गोल स्कोर कर दिए हैं आठ मैन ऑफ द मैचेज हासिल कर लिए हैं और क्या चाहिए भाई मेसी ने कल जो जो कुछ भी वो कर सकते थे सब कुछ कर दिया एंड वो फिनिश भाई हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेसी के गेम में इतनी कामनेस है मेसी गॉड गिफ्ट मीनो गिफ्टेड प्लेयर हैं ऐसा है वैसा है बट आप ये देखो कि हर प्लेयर गिफ्टेड ही होता है अगर देखा जाए जो बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन वो अपनी हाइप को लिव अप कर पाने में इतने लंबे साल तक सफल नहीं हो पाते कल वो जो फिनिश है ना भाई दैट एक्चुअली एक्सप्लेन मेस्सी इन साइड द बॉक्स डिफेंडर्स खड़े होकर देख रहे हैं कि बॉल रोल होती हुई जा रही है मैट रायन गिर चुका है वो देख रहा है कि बॉल रोल होती हुई जा रही है कोई और प्लेयर होता वो पावर के लिए जाता है लेकिन मेस्सी प्रिसीजन के साथ वो शॉट हिट किए ऐसे ही आपने देखा था जब मैक्सिको के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था मेसी ऑलवेज हैड दैट एक्स्ट्रा सेकेंड यार जब भी वो शॉट लेता है उसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा सेकेंड होता ही है एंड दैट्स वॉट सेपरेट्स मेस फ्रॉम द रेस्ट याद अगर बात में मैं यहाँ पर करूँ यार अब नैदरलैंड वाले गेम में नैदरलैंड वा, वाले गेम में आपने देखा कि मैमफिस डीपे आपके डम फ्रीज आपके डेले ब्रिंड ये तीनों प्लेयर्स गोल, गोल स्कोर शीट पे थे लेकिन एक प्लेयर जो स्कोरिंग शीट पे नहीं था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था दैट इज कोडी गैकपो एंड यूनाइटेड यू विल बी मेकिंग अ वेरी ह्यूज मिस्टेक अगर आप अभी से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करोगे एक्पो के एजेंट के साथ नेदरलैंड्स ने कल यूएसए को खेलने का मौका नहीं दिया यूएसए ने एक गोल स्कोर जरूर, जरूर किया लेकिन वो आउट ऑफ लक आया उनका देखो दोनों गेम की एक कहानी तो सिमिलर थी कि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने जो दोनों गोल स्कोर किए हैं वो प्योर लक थे उनमें उनकी कोई स्किल नहीं थी ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी थोड़ा एंड में जाकर टेस्ट किया यहाँ पे आपकी अर्जेंटाइन बैकलाइन को लेकिन यूएसए ने पूरे मैच में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया आपके नैदरलैंड के गोल को या बैकलाइन को एक अर्लियर चांस जरूर बना था मैच के शुरू दूसरे तीसरे मिनट में जब नोपर्ट ने वन वन, वन सिचुएशन में पोलिस का वो शॉट रोका था बट पोलिस ने वो शॉट भी हाफ हार्टेडली मारा था यूएसए बाहर जा चुकी है नेदरलैंड्स अगले राउंड में गई है अब अगले राउंड में नेदरलैंड्स और आपके अर्जेंटीना का मैच है दो ऐसी टीम में जो अल्ट्रा अटैकिंग नहीं है वेनहाल बहुत ही प्रगमैटिक फुटबॉल खिलाते हैं एंड ये एक रिकैप होगा 2014 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जब अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में नेदरलैंड्स को हराकर बाहर कर दिया था टूर्नामेंट से एंड दे वेंट इनटू द फाइनल टू प्ले अगेंस्ट जर्मनी अब देखो यार अर्जेंटीना का ब्रांड ऑफ फुटबॉल अभी तक का इतना कुछ शानदार नहीं रहा है कि आप कॉन्फिडेंटली ये कह सको कि नहीं यार अर्जेंटीना तो जीत ही जाएगी नेदरलैंड के अगेंस्ट क्योंकि कल का गेम भी अगर मैं देखूं तो एक ऐसा टाइम आता है अर्जेंटीना के हम मैंने हर बार देखा है चाहे वो मेक्सिको वाला गेम हो चाहे वो आपका पहला सऊदी वाला गेम हो कि ये फेज आउट हो जाते हैं इनके सारे प्लेयर इनको समझ में नहीं आता कि अटैक कहां से जनरेट हो रहा है और ये कैसे डील करें उस सिचुएशन से उसके ऑस्ट्रेलिया के पास उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी लेकिन नैदरलैंड आपको टेस्ट करेगी और जब वो टेस्ट करेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा बहुत जरूरी है कि इनके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में आए मुझे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस तो इंडिविजुअल बेसिस पे पसंद आई लेकिन अगर कलेक्टिव बेसिस पे बात करूँ मैं अगर मैं डिफेंसिव यू नो यूनिट की तरह इनको ट्रीट करूँ तो भाई उनकी परफॉर्मेंस उतनी सॉलिड नहीं थी आखिरी के बीस मिनटों में नैदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शन है अटैकिंग फ्रंट में चाहे आप स्टीवन बर्गवैन की बात करें चाहे आप डेली ब्रिंड की बात करें चाहे वर्गआउस की बात करें चाहे कोडी गैकबो की बात करें एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी फ्रेंकी डियोंग दे रहे ना यार अगर फ्रेंकी डियोंग ये परफॉर्मेंसेज बारसा में देने लगा तो बार्सलोना आर अ सीरियस थ्रेट फॉर रियाल मडरिड और ना ही सिर्फ उनके लिए हमारे लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है यूरोपा लीग के मैच में क्योंकि फ्रेंकी डियोंग ने जिस तरीके से अभी तक मिडफील्ड को डोमिनेट किया है ना सारी टीमों के अगेंस्ट भाई वो दिखा रहा है कि कितना क्रूशल प्लेयर एरिक टनहेक के सिस्टम में ये हो सकता था एंड अब तो नहीं है हमारे क्लब में लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांस है फ्रेंकी डियोंग को लाने का यूनाइटेड में तो भाई लेकर आओ एंड आप सबको पता है यार कि कभी भी प्रिग्मेटिक टीम जो होती है उसके अगेंस्ट खेलना आसान नहीं होता है क्योंकि वो आपको काउंटर पे हिट करने का ट्राई करते हैं अब देखने वाली बात ये है कि इस गेम से अर्जेंटीना कितना सीख के जाती है क्योंकि अगर मैं नंबर्स वाइज बात करूं तो आपने पोजीशन डोमिनेट किया आपने एरियल डुबल जीते आपने ग्राउंड डुअल जीते आपने सेकेंड बॉल जीती आपने इंटेंसिटी बना के रखी लेकिन वो इंटेंसिटी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी ड्रॉप होती गई एंड ये जो ओवर डिपेंडेंसी है ना कुछ सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर खासकर मेस्सी के ऊपर ये भारी पड़ने वाली अर्जेंटीना को क्योंकि उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं अदर देन अलवारेज वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं लॉटोरो मार्टेज को फॉर्म पिक करना पड़ेगा क्योंकि अलवारेज का ऐसा जो अभी पर्पल पैच चल रहा है ये पूरे वर्ल्ड कप में चले ये जरूरी नहीं है और अलवारिज इज़ वेरी यंग लोटोरो मार्टिनेस ऑलरेडी बड़े टूर्नामेंट्स में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं इंटर मिलान में वो लगातार पिछले तीन साल से अपने आप को प्रूव करते आ रहे हैं इट्स हाई टाइम लोटोरो मार्टे स्टार्ट यू नो पिकिंग अप हिज पेस और वो डिलीवर करना शुरू करें बट यार आपको क्या लगता है कि ये जो अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स का मैच है इसमें कितना चांस है अर्जेंटीना का आगे जाने का देखो ब्रैकेट वाइज अगर मैं बात करूं तो अर्जेंटीना को कंपैरेटिवली कंपेरेटिवलीजियर ब्रैकेट मिला है वहां पोर्चुगल वाली साइड के कंपैरिजन में क्योंकि यहां पर अगर अर्जेंटीना नेदरलैंड्स को हरा देगी तो फिर उसके बाद उन्हें ब्राजील से खेलना होगा सेमीफाइनल में लेकिन ये नेदरलैंड्स की टीम अगर मैं वहां फ्रांस की टीम से कंपेयर करूं या फिर मैं स्पेन को देखूं उनके बराबर फुटबॉल नहीं खेल रही है इनके पास एक्सपीरियंस ही कमी है इनके पास क्वालिटी तो है लेकिन इनके पास वो जो लॉन्जिटिविटी है ना परफॉर्मेंसेस की या मैं ये कहूँ सस्टेनेबिलिटी जो है परफॉर्मेंसेस की वो नहीं है तो उस लिहाज से अर्जेंटीना शुड विन अगेंस्ट नैदरलैंड नैदरलैंड मेरी टीम है कहते हुए बुरा लग रहा है बट भाई जिस तरीके से मेस्सी खेल रहा है इट डिजर्व टू बी इन द फाइनल एंड देखो बींग रोनाल्डो फैन आई वुड लव टू सी मेस्सी इन द फाइनल एंड रोनाल्डो इन द फाइनल बट अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे इनके प्लेयर्स जो कि 90 मिनट तक ये 90 मिनट के अंदर ये फेड अवे होने लगते हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा इनके लिए ब्राज़ील जैसी टीम को हराना एंड देखो ब्राज़ील के लिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जापान क्रोएशिया दोनों टीमें बहुत शानदार खेल रही हैं और ब्राज़ील अगर जीतती है वहाँ पर साउथ कोरिया से तो उसके बाद उन्हें जापान या फिर इनमें से किसी एक टीम से भिड़ना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फिक्चर बट देखते हैं क्या होता है तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कितना अच्छा चांस है अर्जेंटीना के पास फाइनल में जाने का और कल की परफॉर्मेंस अदर देन मेस्सी आपको किसकी पसंद आई और इसके अलावा गाइज वी आर वेरी क्लोज टू फोर्टी के अगर नहीं किया है तो कर देना यार काफ़ी अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड कप के बीच में हमारे फोर्टी के हो जाएंगे द टारगेट वॉज फिफ्टी के बट लेट्स कहाँ तक हम पहुँचते हैं